की यात्रा कर रहे हैं, ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में रहते रहते ना, हमारे हमारे भाई बंधु है, वो संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विविधता है, शुरू से रही है ना। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसे स्थान है, बहुत सारे पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थान है ना, महल है, किले, महापुरुषों का जन्म स्थान है, बहुत हमारे देवी देवताओं का जन्म स्थान है। ऐसे संपूर्ण भारत की यात्रा हमने देखा होगा, जिनकी उसका फोटो हम ऊपर देखते हैं, वो लोगों ने किसी न किसी रूप में भारत की यात्रा की है, भारत को जानने की कोशिश की है। जब हम भारत को जानते हैं ना, तो भारत की अच्छाइयाँ, भारत में जो समस्याएँ हैं वो देखते हैं, तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम भी टीचर रहे, जैसे आप लोग पहले बच्चे हैं, अभी पढ़ाई करें, हम भी पढ़ाई करते थे, उसके बाद टीचर हुए, उसके बाद फिर कोरोना काल में ऐसा समझने को मिला कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद हो चुके थे, तो पूरे भारत की साइकिल से यात्रा तो निकल गए। तो 21 जून को योग दिवस रहता है ना, 21 जून को क्या रहता है, योग दिवस, जिस दिन हम लोग योग करते हैं, एक दिन नहीं करते, केवल एक प्रतीक रहता है, हमको योग 365 दिन करना चाहिए, है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें योग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर निकले। और लगातार दिन है, रात है, धूप है, छांव है, जंगल है ना, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, सब जगह से होते हुए आ रहे हैं। तो 20 राज्य हो चुके हैं, कितने, बिहार 20वां स्टेट है। ऐसे पूरे भारत में जितने राज्य है, संपूर्ण राज्य यात्रा साइकिल से करने वाला है ना। तो ऐसे करते करते हमारी भारत के जो गांव है, शहर है ना, अच्छे अच्छे स्थान है, वो देखते हैं, समझते हैं, और सबको यही बताते हैं कि हम जब स्वस्थ रहेंगे तो ही अच्छा जीवन जी पाएंगे, जी पाएंगे ना। अगर हम बीमार रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं ना। तो अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अच्छा भविष्य बना पाएंगे। जब हम सभी स्वस्थ रहेंगे और अच्छा काम करेंगे तो देश भी अच्छा होगा, होगा ना। इस कारण से नया भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत, उसकी कामना लेकर चले हैं। स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत का इतिहास नहीं रहा है, भारत का गौरवशाली इतिहास है। अगर हम उसको जानेंगे तो हमारे रग रग में भी वही खून दौड़ेगा जो हमारे महापुरुषों में दौड़ता था। फिर हम वो लोग जो कर गए वो हम भी कर सकते हैं ना, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, तो हमको भी कुछ देश के लिए, अगर हम मनुष्य जन्म मिला है, हम भी इस देश में आए हैं, तो हमको भी कुछ बड़ा करके जाना है। उसके पहले हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा, देश से जुड़ना पड़ेगा, देश की संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा, देश के लोगों से जुड़ना पड़ेगा, और देश का जो गौरवशाली इतिहास है उससे जुड़ना पड़ेगा। बस वही हम प्रयास कर रहे हैं, वही आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात समझ में आई है ना। तो हमको पहले अपने स्वास्थ्य से जुड़ना है, हमारी प्रकृति से जुड़ना है, हमारी संस्कृति से जुड़ना है, और भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उससे जुड़ना है ना। स्वास्थ्य रहने के लिए हम योग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बाहर जो एक्टिविटी होती है ना वो कर सकते हैं। और जब हम साइकिल से निकलते हैं तो अच्छे माहौल में निकलते हैं, अच्छे विचार लेके निकलते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमको आसपास की चीज़ें नज़र आती है, आसपास के लोग हमसे जुड़ते हैं, पॉल्यूशन नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं होते हैं ना, हमारा खर्चा बढ़ता है, पेट्रोल डीजल इसमें लगते नहीं है, और सब चीज़ों का ज्ञान हमें होता जाता है। तो इस तरीके से हम भारत को आत्मसात कर सकते हैं, भारत को जी सकते हैं, भारत के लिए जी सकते हैं, भारत के लिए अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारे मास्टर नारायण कोचिंग क्लास